स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया? ए, उनके स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण। बी, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी पर चिंताओं के कारण। सी, ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण। डी, उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण। आंसर बी, गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी पर चिंताओं के कारण। एक्सप्लेनेशन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आरबीआई का निर्णय गैर अनुपालन मुद्दों पर चिंताओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें खाता खोलने के दौरान अनुचित पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी और असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देश के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 15 मार्च से जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन संसाधित करने जैसी सेवाएं रोक दी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ए, आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना। बी, गुमनाम रूप से आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्ट करना। सी, नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। डी, लापता व्यक्तियों का पता लगाना। आंसर सी, नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। एक्सप्लेनेशन, एनसीआरबी द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप नए और पुराने आपराधिक कानूनों को जोड़कर नई न्याय प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। ये देश के नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन भी करेगा। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए, 13 मार्च। बी, 14 मार्च। सी, 15 मार्च। डी, 16 मार्च। आंसर सी, 15 मार्च। एक्सप्लेनेशन, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है? ए, तमिलनाडु। बी, गुजरात। सी, पश्चिम बंगाल। डी, महाराष्ट्र। आंसर ए, तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, ये तमिलनाडु सरकार की एक बड़ी योजना है। नींगल नालामा योजना मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार का अपनी सेवाओं में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि उसके कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचे। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ए, असम। बी, बिहार। सी, मध्य प्रदेश। डी, छत्तीसगढ़। आंसर डी, छत्तीसगढ़। एक्सप्लेनेशन, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदन योजना शुरू की है। इस बहुचर्चित स्कीम को महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।